दबंग मीडिया का आज का सातवां दिन है और कामगार सेना की तरफ से पाठिंबा आया है, प्रतिक्रिया जानते हैं। नमस्कार, मैं कामगार सेना या पक्षाकडून आज दबंग मीडिया या एकमेव पत्रकारिता करणारे जे काही एक सगळे काही द रियल पॉवर ऑफ मीडिया फोर ज्याला आपण म्हणतो त्यांना या ठिकाणी आम्ही आज पाठिंबा देण्यासाठी आलेलो आहोत। आम्ही पाहिलेत की भरपूर अशा काही पत्रकार बंधू आहेत की ज्यांच्यावर अन्याय होतो, आता कोणत्या दबावाखाली ते जाहीर करत नाही, परंतु या ठिकाणी दबंग मीडियाचे जे निहालभाई आहेत त्यांनी खरोखर आज जो एक शस्त्र उपसलेला आहे या उपोषणाचा तो खरोखर म्हणजे प्रशंसा करणे योग्य आहे आणि त्यांचे जे काही मुद्दे आहेत ते स्वतःचे नसून सर्वांसाठी आहेत। जो आज दबंग मीडिया जो 21 तारीख से जो डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के पास जो उपोषण को बैठी है, सबर एक्शन कमेटी का ये मकसद यही है कि शहर का विकास होना, और मैं दबंग मीडिया के सदर को मुबारकबाद देता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा काम हाथ में लिया। इंशाल्लाह जब भी ऐसा काम हाथ में लेंगे तो गब्बर एक्शन कमेटी इनके साथ में खांधे को खांधा लगा के काम करने के लिए तैयार है। खुदा हाफिज निहाल अहमद साहब, ये किसके लिए बैठे? ये बाल बच्चों को छोड़कर पानी बारिश में ये किसके लिए बैठे? ये सब पत्रकार भाइयों के लिए बैठे। ये नहीं देख रहे यहाँ पर इनको डांस, इनको मच्छर, इनको बारिश, ये भूख प्यास ये सब छोड़कर ये सिर्फ मीडिया के लिए यहाँ पर बैठे। तो मेरी सबसे अदबन ये गुजारिश है सब मीडिया वालों से, सब पत्रकारों से, कि वो आकर इनका इनको सपोर्ट दे, इनको जो है तो जाहिर पाठिंबा दे। अब दूसरी बात ऐसी है कि घाटी के अंदर जो गरीब है, जो गरीब तबका है, जो मराठवाड़े के अंदर जो घाटी है, मराठवाड़े के अंदर बहुत दूर दराज से लोग आ नांदेड़ इधर उधर से बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और उनको जो है तो यहाँ पर दवाई नहीं मिलती। दवाई किसके लिए, किसको मिलती है? यहाँ पर जो बड़े बड़े लीडर आते, जो बड़े बड़े लीडर आते, जो बड़े बड़े जो यानी जो डेयरिंग करता, जो दादागिरी करता, जो धमकी देता, वहाँ पर इनको ये प्रशासन को, घाटी प्रशासन को कि भाई तुम जल्दी नहीं देंगे तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो उनको जो है तो अंदर से दवा लाकर दी जाती है। तो ये नहीं होना चाहिए। घाटी प्रशासन से हमारे अदबन ये गुजारिश है कि वो स्वच्छता के ऊपर, स्वच्छ देश हमारा स्वच्छता अभियान चला रहा है, और अगर घाटी के अंदर ही अगर ऐसा अगर होगा तो फिर हम जाए तो जाएगा और किससे का है। ऑपरेशन टीम और मैं शहर अध्यक्ष होने के नाते इनको इनको सपोर्ट देते हैं हम इनको, और इनको मुबारकबाद देते हैं कि इन्होंने जो काम हाथ में लिया है और हम कांधे से कांधा लगाकर दबंग मीडिया के साथ है। लेकिन हम गब्बर कमेटी की तरफ से दबंग मीडिया ग्रुप को ये भरोसा दिलाते हैं कि आने वाले 2-3 दिन में हम इनके साथ रहकर, इनके साथ जाकर विभागीय आयुक्त से बात करेंगे और इस आंदोलन को जल्दी से जल्दी एक अच्छी प्राधान्य मिले, हम इसके लिए कोशिश करेंगे। और अल्पसंख्यक के बीजेपी के नबी पटेल साहब यहाँ पर पाठिंबा देने के लिए आए हैं, जानते हैं इनकी प्रतिक्रिया। मैं नबी पटेल, भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष, अल्पसंख्यक मोर्चा, शासकीय सदस्य, अल्पसंख्यक कल्याण समिति, कलेक्टर ऑफिस औरंगाबाद। दबंग मीडिया के हफीज निहाल अहमद और उनके सभी साथी हमारे दोस्त शाह साहब, ये पिछले 21 तारीख से चक्री उपोषण पे कमिश्नर ऑफिस के सामने बैठे हैं और इनकी जो डिमांड है इनकी जो मांगनी है पत्रकारों के बारे में, गरीबों के बारे में, अल्पसंख्यक के बारे में, जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष एकनाथ यादव साहब और हमारे तमाम साथियों के माध्यम से हम इस उनके मांगनी का शासन के पास पाठ पुरावा करेंगे और वह उनके पूरे टीम को हम यकीन दिलाना चाहते हैं कि इंशाल्लाह 101% इनकी ये पूरी डिमांड पूरा करने की हम कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।